नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो HPSC जो है इसके द्वारा हाल ही में जो PGT वालों के लिए जो नोटिस जारी किया गया था, तो आप जो यहाँ पर इनकी वैकेंसी जो यहाँ पर लिंक जो है, या आप कह सकते हैं वैकेंसी विज्ञापन, तो वो आ चुका है। और अगर आप इस आप भर्ती डिटेल को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस समय हम ये जो HPSC जो है इनकी मेन जो वेबसाइट है, हम इस पर हैं, और इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप जाए इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं, और जैसे जब आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपकी ये महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है, और यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। ये लिंक है एडवर्टाइजमेंट 32/2022, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, PGT इनवरेज सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ हरियाणा, और ये है मेवात कैटरी का। दोनों का लिंक यहाँ पर है, लिंक फॉर अप्लाइंग, और जब भी ये शुरू होंगे तो यहाँ पर जैसे निचले वालों में ये लिखा हुआ रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई, ये आ जाएगा। तो फिलहाल जो है यहाँ पर इसका लिंक ही एक्टिव नहीं हुआ है, तो इसकी क्या कुछ डिटेल है वो अब हम देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर ये जो रेस्ट ऑफ हरियाणा जो है इनकी देख लेते हैं, और ये हमारी यहाँ पर वैकेंसी डिटेल आ चुकी है, और इसमें आप ये देख सकते हैं, ये RG नंबर और ये HPSC, और ये देख सकते हैं पोस्ट है यहाँ पर PGT ग्रेजुएट ऑफ टीचर, PGT इनवरेज सब्जेक्ट फॉर रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडरे, और ये पब्लिश डेट है 19 तारीख, तो फिलहाल जो यहाँ पर ये 18 है, 19 दे दी गई है। और ओपनिंग डेट आप देख सकते हैं 21 तारीख से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, लास्ट डेट जो है इसकी 12/12/2022 है। और कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो जैसे हमने शुरू में देखा था, तो वहाँ पर अप्लाई करने का लिंक आएगा। और यहाँ पर कुछ ये हेल्पलाइन नंबर भी है, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर ये फ़ोन नंबर है, और ये यहाँ पर ईमेल एड्रेस है, किसी को कुछ पूछना है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आ जाती है आपके यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट दिखाई गई है, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है और कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने अनुसार जो भी आपका सब्जेक्ट है, कॉमर्स हो गया, कंप्यूटर साइंस है, फाइन आर्ट है, उसके बाद हिस्ट्री है, मैथमेटिक हो गया, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट, हिस्ट्री, मैथ, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, तो ये पोस्ट है। और उसके बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं क्या कुछ है, और डेट ऑफ एग्ज़ाम भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर डेट ऑफ एग्ज़ाम भी दे दी गई है, दूसरे या तीसरे वीक में, फरवरी में, फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये क्वालिफिकेशन है, और सब्जेक्ट के अनुसार अपनी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर वाले हैं, PGT फाइन आर्ट है, हिस्ट्री हो गई, और PGT मैथमेटिक, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस। और ये यहाँ पर है पे स्केल, तो इसमें देख सकते हैं 47,600 से लेकर 1,51,100 तक यहाँ पर पे स्केल है, FPL रहेगा 8। और ये एलिजिबिलिटी वगैरह, और ये यहाँ पर एज में छूट, और द एज लिमिट फॉर द टीचर्स वर्किंग इन एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा शैल बी 45 ईयर्स। उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन है, BCA बी कैटेगरी, तो फॉर्म भरने से पहले एक बार जो आप जो भी यहाँ पर नियम वगैरह जो कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी है वो आप एक बार जरूर पढ़ लें, और उसके बाद फिर आप अपने अनुसार इसके लिए जिस जो भी आपका सब्जेक्ट है आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये आ जाती है आपकी फीस, फीस है यहाँ पर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी, जिसमें आपका ये एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा,
मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी और द स्टेट, इनके 1,000 रुपये है। और ऑल फीमेल कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी, जिसमें फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM हरियाणा ओनली, और फीमेल कैंडिडेट जनरल एंड ऑल रिजर्व, तो इनके जो है यहाँ पर 250 रुपये हैं। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर मेल फीमेल SC BCA BCB वाले, जो केवल हरियाणा से है, और EWS वाले, इनके भी 250 रुपये हैं। और जो डिसेबिलिटी वाले हैं, जो इनके लिए यहाँ पर कोई फीस इसमें नहीं रखी गई है। कुछ नोट दिया गया है फीस को लेकर, फीस अगर आपने एक बार भर दी तो वापस नहीं होगी और फीस विल नॉट बी रिफंड। कैंडिडेट हु डिड नॉट अपियर इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट एप्लीकेशन विदाउट, यहाँ पर फीस, ये अगर आपका फॉर्म फीस कन्फर्म नहीं होगी तो फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा, और फीस अगर आपने एक बार भर दी तो वापस नहीं होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट आ जाते हैं यहाँ पर, आपके फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पर आवश्यकता होगी। और ये आ जाते हैं यहाँ पर स्क्राइब वालों के लिए, तो ये यहाँ पर जो है वैकेंसी डिटेल थी। और अब हम जो यहाँ पर दूसरा जो वैकेंसी है मेवात कैडर की, ये हरियाणा वालों की थी, अब जो यहाँ पर मेवात कैडर वाले जो है उनकी भी डिटेल देख लेते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये मेवात वालों की है एडवर्टाइजमेंट 31/22 है इनकी, और PGT है यहाँ पर, ये रेस्ट ऑफ मेवात वाले, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिश 19 तारीख है। वैसे ही फॉर्म जो 21 तारीख से भरने शुरू होंगे, 12 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है। और सेम वैसे ही यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर, और ये देख सकते हैं यहाँ पर 613 पोस्ट है यहाँ पर PGT की, ये मेवात वालों की है 613 पोस्ट। और यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं कौन कौन से हैं, और अपनी कैटेगरी के अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट है बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, उर्दू, तो ये आपके सब्जेक्ट हैं। और यहाँ पर भी वही जो बात है, दूसरे तीसरे वीक में जो आपका फरवरी में एग्ज़ाम ये लिया जाएगा। उसके बाद आ जाती है आपकी क्वालिफिकेशन, जो भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, और STAT वाले ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ STAT ये मांगे गए, STAT हो या फिर जो सबसे पहले था STAT वो वाला। तो जो भी सब्जेक्ट है उसी के अनुसार अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो बहुत समय से जो यहाँ पर इंतज़ार हो रहा था वैकेंसी का, कि वैकेंसी जो कब आएगी, तो आपका इंतज़ार यहाँ पर समाप्त हो चुका है, वैकेंसी आ चुकी है। और ये यहाँ पर एज है, तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी नियम शर्तें बताई गई हैं जो पहले वाली में थी। तो वैसे उतनी ही यहाँ पर फीस है, 1,000 रुपये, 250, 250, और ये जो डिसेबिलिटी वाले जो हैं इनके लिए यहाँ पर कोई फीस इसमें नहीं है। तो ये जो आपकी यहाँ पर वैकेंसी डिटेल थी, तो यही जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।